आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो एवरीवन, यहाँ पे क्वेश्चन है पैरा नाइट्रो बेंजल डिहाइड, यहाँ पे दिए गए हैं PHCH2C डबल O, तो इसका एसिटिक इसका एनहाइड्राइड दिए गए हैं और यहाँ पे इसी का एक सोडियम सॉल्ट, एसिड का सोडियम सॉल्ट दिए गए हैं और हमें प्रोडक्ट जानना चाहते हैं हमारे पास, और हमें चार ऑप्शन दिए गए हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है कि हम कोई भी एसिड एनहाइड्राइड, ओके, फॉर एग्जाम्पल कोई भी एसिड एनहाइड्राइड, ऐसे एसिड एनहाइड्राइड, इसी सेम एसिड का, ये जो सेम एसिड का अगर हम सोडियम सॉल्ट, ये सेम एसिड का सोडियम सॉल्ट अगर हम यूज करते हैं और साथ में कोई भी एरोमेटिक एल्डिहाइड, कोई भी एरोमेटिक एल्डिहाइड इसको अगर हम यूज करते हैं, ये जो रिएक्शन होता है हीट करने के बाद, इस रिएक्शन को हम कहते हैं पार्किन रिएक्शन। ओके, दिस रिएक्शन इज नोन एज पार्किन रिएक्शन। यहाँ पे जो एसिड एनहाइड्राइड हम यूज कर रहे हैं, वही एसिड का हमें सोडियम सॉल्ट यूज करना पड़ेगा और साथ में एरोमेटिक एल्डिहाइड होना चाहिए, कोई भी एरोमेटिक एल्डिहाइड होना चाहिए। यहाँ पे जो फॉर्म होता है दैट इज अनसैचुरेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड। ओके, जो फॉर्म होता है दैट इज एक्चुअली अनसैचुरेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड। यहाँ पे RCH डबल बॉन्ड CH C डबल बॉन्ड OH। ओके, ये अनसैचुरेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड फॉर्म होता है, इसको हम कहते हैं पार्किन रिएक्शन। तो यहाँ पे हमारे पास जो है, जो कंपाउंड हमें दिए गए हैं, तो फर्स्ट हम पार्किन रिएक्शन का जो मैकेनिज्म होता है ये मैकेनिज्म देख लेते हैं। यहाँ पे फॉर एग्जांपल हम एसिडिक एनहाइड्राइड यूज कर रहे हैं जो कि सबसे स्मॉल एनहाइड्राइड है। तो अगर हम एसिडिक एनहाइड्राइड ऐसे यूज करेंगे तो फर्स्ट क्या होगा, जो बेस है यानी कि सोडियम सॉल्ट ऑफ जो बेस है विच इज OAC हम जो यूज कर रहे हैं, ये एसिटेट आयन इसको एब्जॉर्ब कर लेगा, ये बॉन्ड यहाँ पे आ जाएगा। ओके, तो और ये बॉन्ड खुल जाएगा, तो यहाँ से हमें जो मिलेगा दैट इज डबल बॉन्ड ऐसे O-, यहाँ पे O, देन O डबल बॉन्ड ऐसे CH3। फर्स्ट स्टेप जो है इट इज दिस वन। अब क्या होता है, यहाँ पे हमारे पास एरोमेटिक एल्डिहाइड है, तो इस एरोमेटिक एल्डिहाइड के ऊपर दैट इज AR C डबल बॉन्ड OH, यहाँ पे ये माइनस चार्ज पुश बैक करता है, यहाँ पे ये रिएक्ट करता है, ये बॉन्ड खुल जाते हैं। तो यहाँ से हमें जो मिलता है दैट इज AR, यहाँ पे O-, यहाँ पे CH2, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे O एंड यहाँ पे C डबल बॉन्ड O CH3। ओके, अब क्या होता है, ये डबल ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पे अटैक करता है और ये बॉन्ड खुल जाता है। तो यहाँ से हमें जो नेक्स्ट जो प्रोडक्ट हमें मिलता है दैट इज AR, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे CH3 O-, यहाँ पे O C डबल बॉन्ड O CH2। ओके, दिस साइक्लिक प्रोडक्ट हमें मिलता है। अब ये माइनस चार्ज पुशबैक करता है, ये बॉन्ड खुल जाता है, तो बेसिकली एक टाइप ऑफ एसिटाइलेशन होता है। ओके, वन टाइप ऑफ एसिटाइलेशन यहाँ पे हो जाते हैं। तो यहाँ पे C डबल बॉन्ड O CH3 C डबल बॉन्ड O एंड यहाँ पे CH2 C डबल बॉन्ड O O-। ओके, ये प्रोडक्ट हमें मिल जाता है। अब क्या होता है, ये जो माइनस चार्ज है ना, यहाँ पे फिर से एसिटाइलेशन होता है, यानी कि रिएक्शन मीडियम में जो एसिटिक एनहाइड्राइड है, ये एसिटिक एनहाइड्राइड के ऊपर ये माइनस चार्ज फिर से अटैक करता है, ऐसे अटैक करता है, ये बॉन्ड खुल जाता है, वापस आता है एंड ये बॉन्ड खुल जाता है। तो यहाँ से हमें जो दूसरे, जो यहाँ पे फिर से एक एसिटाइलेशन मतलब एसिटाइलेटेड प्रोडक्ट हमें मिल जाते हैं, यहाँ पे AR O OAC। ओके, OAC, यहाँ पे CH2, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O O C डबल बॉन्ड O CH3, ये हमें मिल जाता है। अब क्या होता है, यहाँ पे ये जो हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन एसिडिक हाइड्रोजन है, तो ये हाइड्रोजन हमारे पास OAC बेस भी है, तो ये बेस क्या करता है, इस हाइड्रोजन का एब्स्ट्रैक्ट कर लेता है, ये बॉन्ड यहाँ पे आ जाता है और ये बॉन्ड खुल जाता है। और ऊपर से हमारे पास और क्या है, मतलब ये जो ग्रुप है OAC क्या करता है, ये OAC यहाँ पे अटैक कर देता है साइमल्टेनियसली, ये बॉन्ड खुल जाता है, वापस आता है एंड ये बॉन्ड खुल जाता है। यहाँ पे हमें साइमल्टेनियसली
दो रिएक्शन हो जाते हैं, एक तो यहाँ पे रिएक्शन होते हैं ओके, दूसरा जो रिएक्शन होता है वहां पे ये हाइड्रोलिसिस हो जाता है ओके, यहाँ पे ये बॉन्ड हाइड्रोलिसिस हो जाता है, तो यहां से हमें जो मिलता है दैट इज ए आर सी एच, यहाँ पे डबल बॉन्ड सी एच और यहाँ पे सी डबल बॉन्ड ओ ओ माइनस। अब हम इसको एसिडिफाई करते हैं, एसिडिफाई करने के बाद हमारे पास क्या हो जाता है, हमारे पास जो कार्बोक्सिलिक एसिड है अनसैचुरेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड वो हमें मिल जाता है ओके, सी एच सी डबल बॉन्ड ओ एच, तो ये है हमारा फाइनल प्रोडक्ट। तो अगर हम देखेंगे यहाँ पे जो अनसैचुरेटेड पार्ट है, ये अनसैचुरेटेड पार्ट जो हम देख रहे हैं ये पार्ट कहाँ से आ रहा है, एल्डिहाइड एरोमेटिक एल्डिहाइड से ओके, और ये जो पार्ट है इट इज एक्चुअली द कार्बोक्स जो जो एनहाइड्राइड हम यूज कर रहे हैं वो एनहाइड्राइड के जो मतलब पार्ट है यही ये जो है दैट इज एक्चुअली द एनहाइड्राइड पार्ट ओके। तो यहाँ पे हमारे पास जो था दैट इज पैरा नाइट्रो बेंजल्डिहाइड, हमारे पास जो था एरोमेटिक एल्डिहाइड में पैरा नाइट्रो बेंजल्डिहाइड विच इज सी एच ओ, और यहाँ पे जो हमारे पास एनहाइड्राइड था दैट इज पी एच सी एच टू सी डबल बॉन्ड ओ ओ देन अगेन सी डबल बॉन्ड ओ सी एच टू पी एच, ये एनहाइड्राइड था हमारे पास, और जो जो सोडियम सॉल्ट हम यूज कर रहे थे दैट इज पी एच सी एच टू सी डबल बॉन्ड ओ माइनस एन ए प्लस, तो हमारे पास ये कॉम्बिनेशन था। तो यहां से हमें सिमिलरली अगर हम देखेंगे ये वाला जो प्रोडक्ट है, अगर हम ये प्रोडक्ट फॉलो करके इसका प्रोडक्ट निकालने की कोशिश करेंगे तो व्हाट विल बी, जो एरोमेटिक पार्ट है अनसैचुरेटेड पार्ट में वो रहेगा, तो यहाँ पे होगा एनओ टू सी एच डबल बॉन्ड, और यहाँ पे जो ये एसिडिक एनहाइड्राइड जो पार्ट है ओके, ये एसिडिक एनहाइड्राइड का पार्ट जो है वो यहाँ पे रहेगा, तो इट इज सी एच यहाँ पे पी एच एंड यहाँ पे सी डबल बॉन्ड ओ, मतलब ये पार्ट रहेगा दैट विल बिकम सी डबल ओ एच। सिमिलर मैकेनिज्म अगर हम फॉलो करेंगे तो दिस विल बी आवर फाइनल प्रोडक्ट, दिस इज आवर एरोमेटिक पार्ट एरोमेटिक एल्डिहाइड पार्ट एंड दिस इज द एनहाइड्राइड पार्ट ओके, सो दिस इज द फाइनल प्रोडक्ट। और अगर हम ये अब जो हमारे पास ऑप्शन दिए गए थे वो आंसर्स अगर हम देखेंगे तो आंसर में चेक करेंगे तो ऑप्शन फोर विल बी द राइट वन, एनओ टू पी एच सी डबल बॉन्ड सी एच डबल बॉन्ड सी यहाँ पे पी एच एंड यहाँ पे है सी डबल एच, सॉरी हमने जो प्रोडक्ट ड्रॉ किया है यहाँ पे वैलेंसी थोड़ा गलत हो गया, अगर हम प्रोडक्ट एक बार फिर से देख लेंगे यहाँ पे हाइड्रोजन नहीं होगा ओके, यहाँ पे हाइड्रोजन नहीं होगा क्योंकि अदरवाइज जो कार्बन है दैट विल बी पेंटावैलेंट कार्बन, तो यहाँ पे हाइड्रोजन नहीं होगा, एक्सट्रीमली सॉरी, यहाँ पे ऐसे सी पी एच सी डबल ओ, तो दिस इज आवर फाइनल प्रोडक्ट, इट इज पेंटावैलेंट हाइड्रोजन हो जाएगा, पेंटावैलेंट कार्बन हो जाएगा अगर हाइड्रोजन होगा तो। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर ओके, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट आईआईटी जेईई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा, आज ही डाउनलोड करें डाउट नेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।